गाइस नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, दोपहर के 1:05 हो गए हैं। स्वागत करता हूँ आपका अपने स्नेह ब्लॉग में। दोस्तों, आज जा रहा हूँ अपने दोस्त के साथ दंगल देखने के लिए। तो अभी आए हैं फिलहाल पोल्यूशन करवाने के लिए स्कूटी का, यहाँ पर बैलग में। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये है मेरा दोस्त बंटी। आज और आज हम भी कुश्ती करेंगे, क्या बता, आज हमारी कुश्ती आपको देखने को मिलेगी। हमारा भी मूड है दंगल में कुश्ती करने का, अपना दमखम दिखाने का, देखते हैं क्या मूड बनता है। वैसे तो पूरी कुश्ती लड़ेंगे हम दोनों। मजाक कर रहा है ये ऐसे? हाँ, ये थोड़ी लड़वानी होती। और ये देखिए व्यू, देखिए मेरे सामने है, यहाँ बैलग में आए हुए हैं यहाँ पे पोल्यूशन कराने के लिए। और देखिए पीछे कितना अच्छा व्यू है। अब दूसरी तरफ से दिखाता हूँ व्यू। पोल्यूशन करवाने आए थे यहाँ पे बैलग में। ये देखिए धुआं पर्ची इधर, और ये देखिए काम कर रहे हैं नीचे, और शानदार व्यू है यहाँ पे। एक बज का 30 हो गया, अभी चल रहे हैं हम दंगल देखने के लिए। यहाँ पोल्यूशन हो गया, अभी चलते हैं और बहुत दूर जाना है सलोनी में। बोटा से आगे है सलोनी, वहाँ पे है दंगल, अभी चलते हैं, मिलते हैं वहीं पे। ये है ऑरेंज, और ये देखिए व्यू कितना शानदार है। गाइज, हम दंगल देखने जा रहे थे, मैं और दोस्त, मेरा दोस्त बंटी, वो खड़ा हुआ है इधर, देखिए सामने। तो रास्ते में महल पड़ता है, महल नाम की जगह है। यहाँ पर राजा संसार चंद ने महल बनाया हुआ था, बोलते हैं यहाँ पे ये गुप्त महल था राजा संसार चंद का, क्योंकि यहाँ पे बोलते हैं कि उसने अपना धन वगैरह छुपा रखा था। तो ये देखते हैं, मैं बताता हूँ आपको अभी। ये देखिए सामने, ये टिल्ला सा दिख रहा है, और आपको दिख रहा होगा वहाँ पर, वो देखिए सामने, वो देखिए। तो और लोग यहाँ ये भी कहते हैं कि यहाँ पे सांप वगैरह रहते हैं बहुत, जो कि उस खजाने की रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, बस आप इतना ही, आप दिखा देता हूँ यहाँ से व्यू दिखा देता हूँ, और बाकी आपको ये महल गांव है सामने, इस तरफ को देखिए। तो अभी चलते हैं हम, क्योंकि दंगल देखने जा रहे हैं तो दूर जाना है तो लेट हो जाएंगे। तो अभी देखिए, ये दिखाता हूँ एक बार फिर तो आपको, ये पार सामने, ये देखिए ये टिल्ला सा जो है सार सामने, ये और कितने अच्छे फूल खिले हुए हैं कैंथ के। हम इसको कैंथ बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं इसको, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अभी चलते हैं, ये सामने मेरा दोस्त खड़ा हुआ स्कूटर लेके, चलते हैं अब, क्योंकि लेट हो जाएंगे फिर, बहुत दूर जाना है। सलोनी के पास है दंगल, चल चलते हैं भाई। और अभी अभी दोस्त ने बताया कि यहाँ बोटा में ही है दंगल कहीं, तो हम पहुँचने वाले हैं शायद दंगल में। तो अभी ये देखिए बोटा हाईवे है, ये ऊना के लिए जाओ से उतना के लिए। बोटा बाजार की तरफ है, इतनी जिंज बाजार सी
खुद ही हैं खुद ही उसी ने मेरे तो सुन रहे हो ना वही बोल रहा हूं लाइजे खतरा जगह आए थे। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं भोटा बाजार में और यहीं पे दंगल है। तो गाइस हम वहाँ पहुंच चुके हैं, यार देखिए यहाँ पे दंगल लगा हुआ है, भोटा बाजार में लगा हुआ है ये। गलती से मेरे को पता नहीं था, दोस्त को पता था कि कहाँ पे लगा हुआ है। और देखिए जलेबियों का भंडार है, ये गेट बना हुआ है अंदर जाने के लिए। कौड़े खुदी आंदे खाई लेना है, है? अच्छा ये वही लच्छे लच्छे खाने पहले हमने, फिर चलते हैं अंदर। जे बेचना है तो मन खाने जलेबी हो गर्म गर्म लगी बनाने, गर्म लगी बनाने फिर पहुंच चुके हैं। और देखिए कितने सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे, ताली मार के पानी की सेवा कर रहे हैं। पानी की सेवा सब तो उत्तम सेवा है। हेलो, इस कुश्ती के बाद जो है ट्रैक्टर वाला जो है वो अखाड़े को कर देंगे, अखाड़े में ट्रैक्टर को चला देंगे। इसके बाद किसी भी पहलवान का नाम एंटर नहीं किया जाएगा, बड़ी मानियों की कुश्तियां होंगी। ये जो एंट्री हो चुकी है इसके बाद कोई एंट्री नहीं होगी। अब दो बजे का टाइम दिए थे, 2:15 हो चुके हैं, अब एंट्री कोई नहीं होगी। छोटी मानियों के साथ बड़ी मानियां करवाई जाएंगी। अरे तो दीदी एक बहुत वधी असी कुश्ती करावे जी, बहुत वड्डे भलवान साढ़े कोल बोटे दे पहुंचे आ, साडे रजिंदर वर्मा जी ते नाल शिव खन्ना जी, यह कुश्ती भी आपां वेखांगे। ताली मारदे बहुत वधिया कुश्ती होनी है जी, चक दे टोली जी हुण। ओ सच्चे दरबार की जय। ओ बल्ले 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 हिंदुस्तान दे टॉप दे पहलवान हाले भी सर तो पुज रहे आ, उस कौन आ गया अजय आ गया जम्मू वाला आप ही अजय कर खरे भाषण स्वामी मार दो ताली, बहुत वधिया पहलवान पहुंचा अजय पहलवान जम्मू। हाँ
अगली कुश्ती काका बोनी दीपू कांगड़ा अजी काका बोनी ट्रैक्टर वाले कुछ देख लड़े ट्रैक्टर गाइस दंगल में आए हुए हैं और यहाँ का व्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको, बहुत ही शानदार व्यू, बहुत सारे लोग आए हुए हैं और ये दुकानें सजी हुई हैं बहुत सारी। उसके बाद कुल्लू पहलवान भोटा और ऋषु पहलवान भोटा तैयार हैं, अपने लंगोटों को कस लें जरा। हाँ जलेबी पकौड़े कर खा लें पहला, तैयारी आ जाएगी जी। देखो जी इसके बाद काका बोड़ी दीपू कांगड़ा और मनु हमीरपुर बबलू जम्मू जम्मू ये दोनों तैयार हो जाओ। चलो जी काका बोड़ी दीपू कांगड़ा आओ जी अंदर और काका बोड़ी और दीपू कांगड़ा दोनों शुरू करो। बात 50 मिनट हो गए और अभी हम जा रहे हैं वापस घर, अभी जंगल तो बहुत टाइम लगेगा छोड़ने के लिए, तो अभी अच्छे खा रहे हैं हम इधर उसके बाद चलेंगे। भाई 6 बजने वाले हैं और इस वक्त मैं भुट्टा चौक पे खड़ा हूँ, थोड़ा सा वहाँ पे एटीएम में पैसे निकालने के लिए आया था और आज के ब्लॉग में बस इतना ही। ये है भुट्टा चौक, आगे सामने दिख रहा है ये बस खड़ी है ठाकुर बस। गाइस ये है भुट्टा चौक। अनिल जमुए तैयार हो।